नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में। आज कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे फोटोज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में देखा है, ब्लर इफेक्ट और थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूजडे ऐसा लिखा वाला एक इफेक्ट होता है। वो कैसे बनाते हैं, क्या उसका मैकेनिज्म है, फोटोशॉप में अगर आपको बनाना है तो वो एक ऑटोमेटिक फिल्टर 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 है, लेकिन हम फोटोशॉप में उस टाइप का एडिट कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को सीखेंगे आज और समझेंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। यहाँ से एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, ये वाली ओपन करा लिया फोटोशॉप में मैंने। जब भी मोबाइल के वॉलपेपर या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में डालना होता है तो वन बाई वन का रेशो रहता है या 4:4 का रेशो रहता है, 2:2, 4:4, 1:1। लेकिन जब हम मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं फोटोज़ को तो उसका रेशियो रहता है 16:9 का रहता है उसका रेशो, 9 ऐसा और 16 ऐसा। तो हमको चाहिए ये रेशो चाहिए। अब ये रेशो चाहिए तो है, चाहिए तो चाहिए भाई, अब क्या करें। तो इस टाइप का कुछ फोटो हम बनाना है, ये क्लिक कर दिया। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि ये जो है नज़र आ रहा है ये, तो इसको अपन इधर पे क्लिक करके इसको क्रॉप कर लेते थोड़ा सा, ठीक है, ये कर लिए। समझ में वैसे नहीं आता पर ठीक है, चल जाएगा काम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉप कर चुके हैं हमने, बाकी काम खत्म हो गया अपना। इसकी कॉपी बना लेते हैं पहले, ये कॉपी बना ली और इस कॉपी को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक कर लेते हैं ताकि गड़बड़ी ना हो, अपने साथ में धोखा ना हो, इसीलिए अब कर लेते हैं तो कर लेते हैं भाई, करना ही है अपने को। यहाँ पे थर्सडे लिख देते हैं, व्हाइट वाले अक्षर से लिखना है अपने को। थर्सडे हो गया, बस काम खत्म अपना। थर्सडे लिख दिए, इस फोटो को ब्लर कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो आप वहां पर देखते हैं इफेक्ट, उसमें ब्लर इफेक्ट जरूर होता है, ब्लर होता है फोटो। इतना ब्लर चल जाएगा, हाँ इतना चल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा ब्लर इफेक्ट तैयार। अब यहाँ से हम फोन चेंज कर लेते हैं, स्टाइलिश फोन चाहिए, क्योंकि जो इफेक्ट्स वगैरह आप देखते हैं वो काफी स्टाइलिश होते हैं। ये नहीं, इधर पे देखते हैं, कुछ इस टाइप के फोन होते हैं सर। ये ठीक है, नहीं ये भी ठीक है, हाँ ये ठीक है। नहीं और चेंज कर लेते हैं, अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर ऑप्शन ना हो तो बात और है, पर ऑप्शन तो है अपने पास बहुत सारे। जहां ठीक लगे वहां ले लेंगे। यहां से देख लेते हैं जो बढ़िया ऑप्शन लगे उसमें ही क्लिक करेंगे। मैं फोन देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं रहते फोन के नाम, क्योंकि मैं काफी लॉन्ग टर्म के बाद चीजों को देख रहा हूँ। ये भी बहुत प्रीमियम, फाइनली यही वाला पसंद आया। अब ये हो गया, अब इसके बाद में अगर आप चाहते हैं और मजा आ जाए तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। और इसकी कॉपी बनाना पड़ेगा, मतलब कॉपी कैसे बनाओगे, ऐसी कॉपी, और यहाँ पर टाइम भी डालना है अभी इसका। ये डाल दी और इसको छोटा कर दी, और ये यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। और एक काम और करना है आपको, इसको छोटा करना है थोड़ा सा, बस आवश्यकता खत्म हुई। अब अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ फोर्स नहीं है आपको, ठीक है। पर एक छोटा सा काम करना है आपको, ये है
इसमें एक छोटा सा काम ये करना है, इधर फ्रेम में आना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन मोड, ये उसमें होता नहीं है, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, उसमें नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अपने को इसमें डाल देना है बस ये, और इसी का सेम कॉपी करना है इसको इधर पे ये, और यहाँ से आके इस पे पेस्ट कर देना, बस काम खत्म। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया फोटो निकल के आएगा, मतलब क्या बढ़िया निकल के आएगा, निकल के ये आएगा कि ये जो इफेक्ट बन के तैयार हुआ है और ये जो फोटोज आप लोग क्लिक करते हैं वो कितना बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा होगा, और ये कैसे मतलब नजर आ रहा है आपको, और किस टाइप से काम करा, और कितना बेहतर ये रिजल्ट देगा, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप में या फिर उस फिल्टर का यूज करके जब आप इस चीज टाइप की चीजें बनाते हैं ना, तो आपको देखने को मिलता है कुछ ऐसा इफेक्ट, लेकिन आप जब फोटोशॉप में इस चीज को बनाएंगे तो कितना प्रीमियम लगेगा, कितना निखर के आएगा, कितना मैनुअली काम कर पाएंगे और कितना बेहतर तरीके से काम होगा। बहरहाल मैं इस चीज में दो चीज पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप इस इफेक्ट को बनाते हैं, मतलब फोटो क्लिक करते हैं इन सबको, तो आपका ये जो है ना नेम वो यहाँ जाता है, लेकिन यहाँ जाने में खराबी क्या है, पूरा आपके फोटो की क्वालिटी खत्म कर दी है। तो अगर इस टाइप का अगर डिजाइन करोगे तो अपने आप में निखर के आएगा फोटो, बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो फिल्टर्स के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बहरहाल ये सारी चीजें ठीक है, जैसी भी है चल रही है, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीजें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसको फेट एन इमेज करके सेव कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ से। बाकी बस मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।